चाहता हूं कि आज का दिन मैं और मेरे मेहमान हमेशा याद रखें। He jumped off the bloody cliff. Meera Rao, CBI. Mr. Kapoor ने suicide नहीं किया है, उनका murder हुआ है। ये जो उसके सारे so-called friends हैं ना, जलते थे मुझसे। मेरे dad थे, we loved each other. Step dad. हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो हमेशा ही एक अलग रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं और अपने करियर में डर्टी पिक्चर्स कहानी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो वहीं इनकी मोस्ट वांटेड फिल्म नियत का हो गया है ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। तो कैसा है ये ट्रेलर और कब तक हो रही फिल्म थिएटर में रिलीज, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। तो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक राव कपूर नाम का शख्स सुसाइड कर लेता है, पर ऐसा लोगों को केवल लगता है। तो इसी बीच सीबीआई का रोल कर रही विद्या बालन की एंट्री होती है, जिनका कहना है कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। तो बस आगे क्या, हर एक क्राइम और मिस्ट्री वाली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी मर्डर की खोजबीन स्टार्ट होती है। ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद काफी दिलचस्प लगा है, जिसमें हमें सस्पेंस भर भर के देखने को मिलने वाला है। तो वहीं विद्या बालन की एक्टिंग हमेशा की तरह एक बार फिर दमदार लगी है, जिसकी वजह से डायरेक्टर अनु मेनन के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रही है। अब बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो विद्या बालन और राम कपूर को छोड़ दिया जाए तो ये फिल्म काफी नए नए एक्टरों के साथ बनाई जा रही है, जो कि एक क्राइम और सस्पेंस वाली फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट है। अब वहीं इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो यह फिल्म इसी साल के 7 जुलाई को थिएटर में रिलीज हो रही है। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मूवी के रिलीज होते ही मूवी का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।